global advertisers, scaling new heights in outdoor media. साजन बजा चुटकी जो चले नौटंकी वो मन बसिया हो तेरे मन की दिल फकीरा रू बन जारन तेर को तेरी ताल पे साजन बहुत पसंदीदा जगह रही है क्योंकि एक तो ये एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर मैं बहुत पास में रहता हूँ और सेकंड चीज बैरल के सारा स्टाफ जो है जो लोग यहाँ पर काम करने वाले जो लोग आपके साथ रोज यहाँ पर बैरल में रहते हैं वो बहुत फ्रेंडली है पूरा एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है और एज अ म्यूजिशियन सबसे अच्छी बात मुझे बैरल में लगती है वो ये है कि यहाँ का डीजे यहाँ का म्यूज़िक जो प्ले होता है वो बाकी क्लब से बहुत ही अलग है बहुत यूनिक बहुत अच्छा फ्रेश लगता है एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली मैं जो मेरा जो बेसिक फंडा होता है यहाँ पर आने का वो है म्यूज़िक और म्यूज़िक बहुत कमाल का होता है यहाँ पर आज के टाइम में देखिए जो लोग एक मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है जो बहुत छोटी जगहों पर रहते हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उनके लिए जैसे मैं भी वैसे ही था तो उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है ये अगर रियलिटी शो नहीं होता तो शायद कई ऐसे सिंगरों को मौके ही नहीं मिलते अरिजीत जैसे सिंगर को भी मौका मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता अगर रियलिटी शो नहीं होता मेरा यूट्यूब पर गाना रिलीज़ हुआ है दिल फकीरा और बहुत अच्छा चल रहा है जस्ट वन वीक कंप्लीट होने आया और ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन क्रॉस कर दिया है तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है एंड समवेयर मुझे एक ये भी रियलाइजेशन हो गया है कि अगर आपके पास अच्छा म्यूज़िक है आप कुछ करना चाहते हो तो आज की डेट में जब हमने शुरू किया था तब बहुत ही कम था लेकिन आज की डेट में आप अपना म्यूज़िक लोगों के सामने लाने के लिए एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डाल के यू नो यू कैन बिकम समथिंग एल्स Great crowd. I love the ambience. And Abhijeet performing here just ups it for all of us. As you can hear, everyone's making noise because they're really excited to watch him perform. And yeah, he is our Indian idol, number one. So really excited to be here. And I am going to be dancing and having a great time. The first time I've been to this place and it looks pretty, pretty fancy. And I like the whole entrance and even the sound is really, really nice. So I'm very happy to be here. Abhijeet is a very dear friend. We've been working, we work under the same agency and I've known him for a while now. So that's why I'm here to, you know, cheer for him and I'm going to be the loudest scream in the crowd. In case you don't know, I was the initial first, one of few of the initial people who started out on YouTube. So I think it's a really cool platform. You don't have to stand in lines for, you know, judges to judge you in a reality, like how it happens in reality. It's a very straight to, you know, created to audience platform and you just showcase your talent and people see you as who you are, really. So I think it's one of the best medium to showcase what you got. But I told you guys that this barrel is like my house and I come here when I feel like chilling. But this will be the first time when I hear Abhijeet ko pehli baar, you know, perform karte sununga. हालांकि मैंने जैम किया है उसके साथ बहुत कुछ किया है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उसके शो में पहली बार उसको लाइव सुनने वाला हूँ वेरी एक्साइटेड और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस नाइट देखना चाहता हूँ अभिजीत लाइव क्या करता है हालांकि बहुत से खूबसूरत गाने उसकी आवाज़ में सुने हैं बट आई रियली वांट टू सी अभिजीत लाइव क्या करता है सो वेरी एक्साइटेड फॉर इट वेल मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे वो एक्टिंग हो सिंगिंग हो या कोई भी फील्ड हो उसका प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो चीज़ को पाने के लिए बट डेफिनेटली एज अ सिंगर आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को परहेज़ करना पड़ता है हमारी लाइफ से मेरी तो नहीं खैर मैं तो नहीं करता परहेज़ बट जो बाकी सिंगर्स हैं उनकी लाइफ से आइसक्रीम अचार यू नो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को बहुत खास बहुत पसंद होती हैं उनकी लाइफ से मिसिंग होता है बट इट्स लाइक अ यू नो लिटिल डिफरेंट प्रोसेस दैन वॉट इट इज़ नॉर्मली बट आई थिंक अभिजीत को मैं तब से सुन रहा हूँ जब मैं सिंगर ना मैं सिंगर था ना मैं एक्टर था इंडियन आइडल वन बहुत बड़ी चीज़ है जब पहला एक सिंगिंग रियलिटी शो आया और उसके विनर बन के अभिजीत सावंत बाहर आए और यू नो इट्स अ बिग थिंग टू डू समथिंग लाइक दिस एंड ही स्टिल देयर इन दिस इंडस्ट्री स्टिल सर्वाइविंग एंड डूइंग रियली वेल फॉर हिमसेल्फ वो बड़े इंस्पिरेशन है सबके लिए तो मुझे लगता है कि आज बहुत मज़ा आने वाला है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कौन से गाने गाते हैं बिकॉज मैं खुद उनको बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ तो मैं बोल एक्सपी इज दिस ओनली कि
जो ये आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं, जो ये सबसे यूनिक चीज़ जो कर रहे हैं यहाँ पे कि इतने आर्टिस्ट हर डिपार्टमेंट में लेके आ रहे हैं और उन आर्टिस्ट के वजह से इतने लोग आ रहे हैं, और शायद सबसे अच्छा सेलिंग पॉइंट भी यही है कि इनके वजह से इतने लोग आएंगे, वो भी देखते हैं, वो भी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उनको और मज़ा आता है जगह में आने के बाद। तो मुझे लगता है दे आर डूइंग द बेस्ट राइट नाउ कि इतने लोग आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं और डीजेस बहुत सारे आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग एंटरटेन करके जा रहे हैं। थिंक व्हाट एल्स बताऊँ, तो आज मैं इनवाइटेड नहीं हूँ बट मैं ऐसे ही आ गया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि अभिजीत सावंत परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आ गया क्योंकि मैं उनका बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन मीन्स 8-10 साल पहले से, जब भी वो जीते हैं तब मैं चैनल देखता था, पंजाब में होता था, तब से ही मैं उनका दीवाना, उनके सारे गाने सुनता आया हूँ, तो आज मैं देखने आया उनका शो। लास्ट 3-4 वीक पहले मैंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, और ये जगह तो है ही मेरी फेवरेट, बहुत अच्छी जगह है, अनिल भाई की जगह है, तो अच्छा चला रहे हैं, तोहित भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप सब जो मीडिया है वो भी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हिट है जगह बैरल। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इनफैक्ट वी स्टार्टेड आवर करियर्स फ्रॉम द सेम रियलिटी शो इंडियन आइडल बैक इन 2005। आज इनफैक्ट 2-3 वजह हैं यहाँ पे आने की, अभिजीत तो है ही उसमें से एक वजह है, लेकिन जिनकी ये जगह वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसने इसको आज सेटअप किया है, इवेंट जिन्होंने मैनेज किए वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वाज लाइक एक अच्छी शाम हो रही है, म्यूजिकल इवनिंग थर्सडे इवनिंग, तो क्यों ना जाके बैरल। अभिजीत सावंत सबको पता ही है, इंडियन आइडल रह चुका है पहला विनर, और आई थिंक इज अ फैबुलस सिंगर ऑफकोर्स, एंड इसके पहले भी अभिजीत काफ़ी टाइम यहाँ पे आते रहता है, एंड इसके पहले भी काफ़ी परफॉर्मेंसेज हुए हैं, बट यस अभिजीत हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ ऑन द माइक, एंड ही इज़ फैबुलस। आई बीन ऑलवेज कमिंग हियर एंड इट्स अ फैबुलस प्लेस एंड दे हैव डिफरेंट USP ऑल द टाइम एंड या आई मीन लाइक फन। आई एम लाइक मैं पहली बार आया हूँ इधर बैरल में, सो इट्स रियली फन and I'm really like amazed to be here. Abhijeet Sawant ne puri aag lagayi hai andar, and yeah, so